नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, दाहोद इंदौर रेल परियोजना में सागौर स्टेशन के आसपास की यह अपडेट आप सभी के लिए। यह पिछले हफ्ते यानी कि 13 तारीख के आसपास की रिकॉर्डिंग है जो कि पश्चिम रेलवे के द्वारा रिकॉर्ड करवाई गई है तथा आम जन के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारा जो पीथमपुर से सागौर सेक्शन है, ऑलमोस्ट इसमें लगभग 80-90% ट्रैक के काम हो चुके हैं। कुछ जगहों पर अंडरब्रिज से संबंधित काम फाइनलाइज किए जा रहे हैं। साथ ही यहां पर विद्युतीकरण के लिए पोल्स जो लगाए गए हैं वह भी हमें दिखाई देते हैं। इसके आगे की सेक्शन की बात करें तो सागौर से लगा के गुणावत के बीच में ट्रैक बिछाने का कार्य अब किया जाएगा। हालांकि इस सेक्शन में रेलवे कागजों में ट्रैक बिछाना हो चुका है यह बता रहा है, परंतु ऐसा कुछ भी फिलहाल में तो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ झलक आप उसके कामों की भी इस वीडियो में देखें। इससे पूर्व जो नज़ारा आया था उसमें तारीखों की कुछ गफलत हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि जगह जगह पर उस वीडियो में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यह बरसात का नज़ारा था कि अभी हाल ही के कुछ दिनों पूर्व का नज़ारा था। जैसा कि उसमें बताया गया था, नवंबर के पहले हफ्ते में वह रिकॉर्डिंग हुई थी, परंतु ऐसा लग तो नहीं रहा था। बहरहाल इस परियोजना के कार्यों की जो अपडेट है वह मिली जुली चल रही है। कभी अच्छी खबर आ जाती है तो कभी निराश कर देने वाली खबर भी आ जाती है। और आपको पता है कि हम इस परियोजना के हर पहलू का बिल्कुल आपको सटीक विश्लेषण हमारे जो पुख्ता जानकारी है उसके आधार पर बताते हैं। यहाँ पर हम केवल हंसी मजाक या फिर इस परियोजना के लिए आपको झूठे जानकारी नहीं देते हैं, आपको केवल जो हकीकत है वह ही बताते हैं। और उम्मीद करते हैं कि रेलवे विभाग भी इसी आधार पर यह सभी जो फुटेज है वह जारी कर रहा है, क्योंकि यदि उन्हें कुछ बात छुपानी होती तो वे लोग किसी भी तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आने देते। हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं उसके बाद ही आपको यह जानकारी पता चलती। बहरहाल जो सागौर स्टेशन है वह भी पीथमपुर स्टेशन की तरह एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ स्टेशन रहेगा तथा यहाँ से भी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मालगाड़ियों का संचालन भविष्य में किया जा सकेगा। अभी वर्तमान में सागौर के आसपास की जो इंडस्ट्रीज है उनका माल तैयार होकर पीथमपुर और पीथमपुर के आगे जो टीही हमारा कंटेनर यार्ड है, डिपो है कानकोर का, वहाँ तक आता है और वहाँ से लोड होकर देश के विभिन्न में भेजा जाता है। भविष्य में जब यह परियोजना बन जाएगी तो सीधे दाहोद के रास्ते यह मुंबई, अहमदाबाद और राजस्थान सहित अन्य हिस्सों के लिए जा सकेगा। वहीं हमारे इंदौर और रतलाम के मार्फत दिल्ली की ओर भी जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, परंतु इसका कार्य जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि धार के आगे अभी विभिन्न प्रकार की जो भूमि अधिग्रहण की गतिविधियाँ हैं वह करीबन साल भर तक चलना है और उसके पहले की स्थिति में अभी फिलहाल में तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि वहाँ पर कार्य शुरू होगा अथवा नहीं। ऐसा ही कुछ हमारा जो अमझेरा से लगा के सरदारपुर सेक्शन है उसमें भी नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। बहरहाल सागौर स्टेशन का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी ट्रक वगैरह निकलते हैं इंडस्ट्रियों के, उसके लिए एक बड़ा ओवरब्रिज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। वहीं सागौर स्टेशन के आगे ही जो लेबड़ मानपुर हाईवे है उसका भी ब्रिज बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। वहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और जल्दी ही वह भी पूरा किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और यह सागौर स्टेशन का यार्ड आप देख रहे हैं, फिलहाल में यहाँ पर दो प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं और इसके हिसाब से यहाँ पर ट्रैक भी करीब 3 के आसपास बिछा जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में ज़रूरत के हिसाब से एक ट्रैक ही डल जाए और उसके पश्चात में फाइनलाइज आराम से किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो हमारी धार तक रेल लाना है उसकी दृष्टि से एक ट्रैक कम से कम बिछ जाए, उस पर ट्रायल हो जाए, यह बहुत ज़रूरी काम है। अभी जो टीही टनल का काम है वह ट्रैक बिछाने से संबंधित कार्य शुरू हो चुका है, ऐसी जानकारी मीडिया में
आई थी और अगले 6 महीने में वह कार्य पूरा किया जा सकता है। उस स्थिति में टीही से जो टीही टनल का इलाका है उसमें भी ट्रैक डल जाएगा। अभी आधे हिस्से में करीबन ट्रैक डल चुका है, आधे में बाकी, जैसा कि आपने हमारी पुरानी अपडेट में देखा था। सागौर स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया भी आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही यहाँ पर पानी की टंकी भी बनाई जा रही है और भविष्य में स्टाफ क्वार्टर आदि का भी यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे आगे की ओर भी, जैसा कि हमने बताया, ट्रैक डलने का कार्य अब शुरू हो चुका है, वहाँ पर बेलास्ट वगैरह बिछाई जा रही है, साथ ही जो अंडरब्रिज आदि है उनको फाइनलाइज करने का भी कार्य यहाँ पर सागौर से गुणावत सेक्शन में किया जा रहा है। वहीं जो गुणावत से धार का सेक्शन है उसमें भी जगह जगह पर ट्रैक बिछाने की गतिविधियाँ अब तेज हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है धार के पास में बाईपास पर और जो हमारा रतलाम रोड जाता है उसके लिए भी जो एक्सटेंशन ब्रिज बनाया जाना है उसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो हाईवे पर ब्रिज बनाया जा रहा है उसका कार्य जरूर शुरू हो चुका है। हमने छोटे पिलर बनाने से उसकी शुरुआत की जा चुकी है और जल्दी जल्दी यह कार्य पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले वर्ष के अंत तक ही यह कार्य फाइनलाइज किया जा सकेगा, क्योंकि ब्रिज का जो मेजर वर्क होता है वह पूरा करने में थोड़ा समय लगता है। बहरहाल ये अब हमारा जो सेक्शन है यह गुणावत की ओर जा रहा है और यह गुणावत के पास में कुछ पुल पुलिया आपको दिखाई दे रहे हैं और यह यहाँ पर बेलास्ट बिछाने का कार्य किया जाने लगा है और कुछ दिन पूर्व का जो नज़ारा दिखाया था उसमें यह हरकत नहीं दिखाई दे रही थी। साथ ही ट्रैक पर डालने के लिए स्लीपर भी यहाँ आ चुके हैं और यह अभी फिलिंग का कार्य इस पुलिया पर होना बाकी है। इसके पश्चात में यहाँ पर भी ट्रैक बिछाया जाएगा। तो यह तो पुल पुलिया तो काफ़ी समय पूर्व बना ली गई थी, बाकी कुछ हिस्से में यहाँ पर अतिरिक्त रूप से जमीन अधिग्रहण करने के लिए गुणावर स्टेशन के पास में एक राजपत्र का प्रकाशन फिर से किया गया है। यह लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए करीब 2-3 बार राजपत्र निकल चुके हैं, परंतु वह ज़मीन अभी तक रेलवे प्रशासन को अधिग्रहित नहीं की जा सकी है और उसके लिए कोशिशें जारी है। बहरहाल सागौर स्टेशन से आगे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पड़ते हैं उनके आवागमन के लिए यहाँ पर जो अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, उनका निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है और रेलवे विभाग को जल्द से जल्द यह सब कार्य फाइनलाइज करना चाहिए ताकि अगले वर्ष किसी भी सूरत में हमारी धार से इंदौर की ट्रेन चलाई जा सके। तो दोस्तों यह थी हमारी जो सागौर से लगा के गुणावत के कुछ हिस्से की अपडेट आप सभी के लिए, और जल्दी ही बाकी हिस्से की अपडेट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो पहले का वीडियो था वह तकरीबन 40 मिनट लंबा था और उसमें कई बार ऐसा होता है हम आपको लगातार जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो जो लिंक है वह आपके और हमारे बीच में टूटती है। इसी को देखते हुए यह हिस्सों में वीडियो आप सभी के लिए डाले जा रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।